कानपुर के चर्चित बिकरू कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे समेत उसके गुर्गों के शस्त्र लाइसेंस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर के असलर विभाग से विकास दुबे समेत 200 लोगों की शस्त्र लाइसेंस की फाइलें गायब हैं। इस बात का खुलासा होते ही वहां हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि शस्त्र लाइसेंस की फाइलें गायब होने के बाद जांच में दोषी पाए गए तत्कालीन सहायक शस्त्र लिपिक विजय रावत के खिलाफ कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई गई है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे और उसके गुर्गों ने शस्त्र लाइसेंस बनवाए थे। इस चर्चित कांड के बाद प्रशासन ने गांव के एक एक शस्त्र लाइसेंस धारक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निरस्त किए थे। जांच में पता चला कि विकास दुबे ने साल 1997 में अपना पहला शस्त्र लाइसेंस बनवाया था। जब जांच अधिकारियों ने इसकी जानकारी असलाह विभाग से करनी चाही तो मालूम चला कि उसकी फाइलें गायब हैं। इसके बाद विकास दुबे गैंग से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी की गई तो पता चला कि शस्त्र लाइसेंस की 200 फाइलें गायब हो चुकी हैं। जांच में तत्कालीन शस्त्र लिपिक विजय रावत संदिग्ध पाए गए। मौजूदा वक्त में क्लर्क वैभव अवस्थी की तहरीर पर कोतवाली थाने में रावत के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। फिलहाल अपर जिलाधिकारी अतुल कुमार ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू की है। में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में पत्रावलियों को NADL पर दर्ज कर उनका सत्यापन किया जा रहा था। सत्यापन दौरान शस्त्र कार्यालय में कुछ पत्रावलियां गायब पाई गईं, जिसको सिटी मजिस्ट्रेट जो कि प्रभारी अधिकारी शस्त्र भी हैं, उन्होंने उसमें जांच की और तत्कालीन सहायक शस्त्र लिपिक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। इसी उत्तरदायित्व निर्धारण के बाद में उनके ऊपर FIR कराई गई है। खास बात यह है कि ऐसे 200 शस्त्र लाइसेंस की फाइलें गायब होना, वो भी विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधी की फाइलें, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि असलाह विभाग में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई? इतने बड़े खेल में अकेले लिपिक शामिल नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं इसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, UP तक।